रिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में हुई कल आपसी विवाद के चलते राजकुमारियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 युवक सहित एक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इंदौर में बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में दो पक्षों में विवाद में कल 7 लोगों ने राजकुमारियों के घर पर हमला कर राजकुमारियों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जहां आज बाणगंगा पुलिस ने 7 आरोपियों में से 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है और 2 आरोपी अभी भी फरार हो गए हैं। वहीं थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि 3 महीने पहले बोरिंग को लेकर आमने सामने रहने वाले दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिसकी रंजिश आरोपी पक्ष द्वारा मन में रखी गई थी और आए दिन आरोपी पक्ष मृतक राजू कुमारियों के परिवार वालों से विवाद करते रहते थे। वहीं 2 दिन पहले आरोपी रेखाबाई के बच्चों को शशिपाशी के बच्चों ने चाटा मार दिया था, जिसके विवाद इतना बढ़ गया कि वहीं 2 दिन पहले रात में फिर से आपस में विवाद हो गया, जिसमें रेखा वर्मा के घर पर शशिपाशी, छोटूपाशी, विजय, अंशुल, मोनू, सुनील और शुभम ने पत्थरों से हमला कर दिया था, जिसमें रेखाबाई के परिवार वालों को हालांकि चोटें नहीं आई थी। वहीं घर के बाहर खड़ी पड़ोसियों की गाड़ियों में भी आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश देकर रवाना किया। वहीं दोपहर में रेखा वर्मा के परिवार और शशिपाशी के परिवार फिर आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट व चाकूबाजी की, जिसमें राजकुमारियों की चाकू लगने से मौत हो गई। वहीं आज बाणगंगा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला रेखाबाई भी शामिल है और 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी बाणगंगा पुलिस तलाश कर रही है। दो परिवारों के बीच में पुरानी रंजिश है। शशि पासी का एक परिवार है और दूसरा रेखा वर्मा का परिवार है। ये दोनों परिवार ऋषि नगर में 3 नंबर 4 नंबर गलियों में रहते हैं और कुछ 2-3 साल पहले शशि पासी ने बोरिंग कराई होगी मोहल्ले में, तो उसका ताला तोड़ दिया था, ऐसा उसका कहना है। आकाश इसने, रेखा वर्मा और उसके पति ने, बसंत ने, तब से इनके बीच में मनमुटाव था। तो वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन मनमुटाव की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई थी। अब 2 तारीख को रेखाबाई के बच्चे प्रवीण को शशिबाई के लड़के अभय ने का चांटा मार दिया, एक पाइप मारा है, चांटा मार दिया, उस बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और उसने फिर छोटू पासी की और अभय की रिपोर्ट करी थाने पे। तो मेडिकल वगैरह था नहीं, कोई चोट था नहीं, तो उसमें एक अदम चेक रिपोर्ट लिख के उसका 151 में उसको छोटू पासी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था। उसके बाद परसों रात को फिर एक झगड़ा हुआ इनके बीच में, इसमें जो रेखा वर्मा के घर के ऊपर शशि पासी, छोटू पासी और विजय, अंशुल, मोनू, सुनील, शुभम, इन लोगों ने रात में पत्थर फेंके। उसमें चोट नहीं आई किसी को, लेकिन उसमें पत्थर फेंके और एक दो गाड़ियाँ खड़ी थी बाहर, एक जुगल किशोर पड़ोसी उसकी गाड़ी खड़ी थी, इनकी गाड़ी खड़ी थी, उसमें उन्होंने आग माग लगा दी। तो थाने पर उपस्थित सब इंस्पेक्टर ने उसमें 336 का अपराध कायम किया, 427 भी लगाई थी उसमें नुकसान रसानी के लिए। और सुबह विवेचना के लिए जब पुलिस वहाँ पहुँची, एएसआई जो जिनको विवेचना मिली थी कौशल साहब को, वो जब पहुँचे वहाँ पर नक्शा बनाया तो इनको समझाया भी कि पुलिस अपना काम करेगी, सबको अरेस्ट करेगी, आप लोग आपस में मत झगड़ा करो। फिर ये सब करके उसका पति ने कहा साहब, पति से पूछा कि रेखा के कि घर बताओ इनके सब के कहाँ हैं, तो घर एक एक घर जाके देखा उनको, तो सब रात वाली घटना के सब आरोपी फरार थे, सबके घर में ताले लगे हुए थे। पुलिस लौट के आ गई 1 बजे करीब, 12:20 करीब ये रेखा वर्मा के परिवार के सामने फिर एक बार इनका विवाद हुआ। ये लोग होंगे बाहर, वो लोग आ गए पास में और फिर बाद में विवाद हुआ। तो उसने, शशि ने अपने भतीजे को बुला लिया फ़ोन करके, वो तो अपने 2-3 दोस्तों के साथ आ गया। ऐसे लोग इकट्ठे हो गए 5-7-8 लोग। अब उसमें इनमें बीच में गाली गलौज मारपीट हुई। उसी मारपीट के दौरान जो शशि है उसका भतीजा लगता है राज कुमायू, राज पटेल बोलते हैं उसको, उसको चाकुओं की चोट आई, 2-3 लड़कों ने उसको चाकू मारे, तो उसको अस्पताल ले गए, तो उसकी मृत्यु हो गई। इस पे से फिर कल एक हत्या का अपराध 7 लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ, इसमें 7 में से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी अंकित ताती और सागर नाम के 2 आरोपी उसमें अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पार्टियां अलग अलग जन स्थानों पर गई हुई हैं, उसमें उज्जैन और ड्रम, खंडवा रोड पर भी कुछ आगे, ऐसी कुछ 2-3 पार्टियाँ लगातार उनकी तलाश कर रही हैं। इन लोगों को अब जुडिशल रिमांड पे आज भेजा जाएगा, बाकी 5 लोग गिरफ्तार करके। रेखा भी आरोपी है,
सर ऐसा ही बताया जा रहा है कि विवाद जो पूर्व में होते थे उसको लेकर जो महिला एक महिला पुलिस लाइन वहां पर काम करती थी तो उनकी तरफ से फोन आया था जिसके कारण पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसा कैसा? जो महिला एक थी हमलावर में वो गोलू शुक्ला के वहाँ काम करती थी, कुछ भी विवाद नहीं। हमलावर में? अच्छा, गोलू शुक्ला क्या काम करती थी? नहीं, ऐसी बात समझ में नहीं आई है। वो तो काम करती थी, काम छोड़ के जा चुकी थी, कई दिन हो गए उसको। पहले कभी काम किया हो तो नहीं कह सकते, वर्तमान में तो वो काम नहीं करती। अच्छा, इस दौरान ही पथराव हुआ और उसके बाद गाड़ियों में आग लग गई, उस समय भी शिकायत करने आए थे लेकिन पुलिस वालों ने लौटा दिया। मुकदमा कायम हुआ, रात में पुलिस गई है और चार नहीं रात में हुआ है ये झगड़ा, तो रात में 12:20 पे हुआ है। वो बात सही है आपकी, मगर रात को क्या हुआ, क्या विवाद खत्म? सुबह जो दोपहर में झगड़े हुए, आग लगी मेरे पास सुबह गाड़ी, दोपहर में गाड़ी, सुबह आग नहीं लगाई, परसों रात में आग लगी है। और सुबह जब वो आई थी, जब मैं यहीं खड़ा था, मेरे सामने आई थी, और तब नक्शा मौका बना के उसका वीडियो बनाया है। 11:49 पे वीडियो तैयार हुआ उसका, 11 बजे हमारा ASI वहाँ पहुँच चुका था। उसने घटनास्थल को आके नक्शा अच्छे से बनाने के लिए उसका पूरा वीडियो भी तैयार किया उसका। तो ये कहना गलत है कि कल झगड़ा नहीं हुआ, परसों रात में हो गया। कौन सी घटना के? जो रात में 12:20 की घटना उसने बताई है, और टाइमिंग करते करते 1.25 घंटा लगा होगा। आप देख लीजिए FIR में टाइमिंग, 1 घंटे के अंदर FIR हो गई। 2:05 पे तो सब इंस्पेक्टर मौके पे पहुंच गया था बीट के हवलदारों को लेकर।